अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर मुबीन अमजद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ वो हैं जिन्होंने पंजाब में ललकारा है नून लीग को, और उन्होंने कहा है कि मुतवस्सत तबका जो है मैं उससे हूँ, मैं गरीब ज़रूर हूँ माली लिहाज से, लेकिन मैं ख़ानदानी लिहाज से इनसे अमीर हूँ। जी यकीनन मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं ज़ईम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कादरी साहब ये कह रहे हैं कि जी आप शायद डर जाएंगे या बैठ जाएंगे, तो क्या है ये लाहौर वाले जो हैं? अर्ज़ ये है कि अगर हम मुशर्रफ की तोपों टैंकों और ताकत से नहीं डरे तो ये तो इंसान हैं और इनको इंसान ही रहना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई को कौम इनको ये बता देगी कि पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर, लाहौरिया 65 की जंग पर बॉर्डर पर और 71 की जंग में छतों पर चढ़ के जहाज़ों की लड़ाई देखा करता था। सैलाब हो या आंधी तूफान, लाहौर लाहौर है और लाहौर किसी का कमीन नहीं हो सकता। सर ये जो लाहौर किसी का कमी नहीं है, वहीद आलम भी तो लाहौरी हैं, वो कह रहे हैं जी वो हमजा शहबाज, आपने कहा कि हमजा शहबाज के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप हमजा शहबाज और उसके बाप की जागीर है। वो उनके कमी है ना, तभी तो वो कह रहे हैं कि जागीर है। मैं तो लाहौर को कह रहा हूँ कि लाहौर जागो, जिंदा होने का सबूत दो, कब्रिस्तान मत बनो, साबित करो कि तुम किसी के कमी नहीं हो, तुम खुद अपने बुनियादी हकूक़ के साथ रहने जीने अपनी इज्जत और तकरीम के साथ फिरने वाले पाकिस्तानी हो। यानी इसका मतलब ये है आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, आपने जो स्टैंड ले लिया है अब वो वापस आने वाला नहीं है। मेरी सियासी मौत भी मुझे इस अमर से पीछे नहीं कर सकती। जी बहुत शुक्रिया कादरी साहब। कादरी साहब ने कहा है कि मेरी जो सियासी अमर है वो भी इससे पीछे नहीं कर सकती। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।